हेलो गाइस, आज की वीडियो में आपका स्वागत है और आज हम आपके लिए लेके आए हैं अमेज़न के कुछ यूनिक एंड अमेजिंग गैजेट्स। सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम लेट्स गेट स्टार्टेड। पैरट स्विंग, यह एक ड्रोन है लेकिन इसे देखकर ऐसा लगता है कि कोई बुक या छोटी सी फाइल हवा में उड़ रही हो, लेकिन यह कोई बुक नहीं, यह ड्रोन है जिसे आप रिमोट कंट्रोलर से कंट्रोल कर सकते हैं। यह हवा में उड़ते हुए 360 डिग्री तक मूव कर सकता है और यह घर के कई छोटे बड़े कोनों में आसानी से जा सकता है और आप इसे बेफिक्र होकर हवा में उड़ा सकते हैं। इसके कंट्रोलर के साथ आप अपने डिवाइस को लगाकर इसके साथ हो रही वीडियो को बिल्कुल रियल टाइम में देख सकते हैं। एवरीडे ब्लेड, घर में हो या घर के बाहर, कई बार पैकेट को काटने के लिए ब्लेड की जरूरत तो पड़ ही जाती है और कई बार जरूरत की चीज़ को खोलने के लिए भी हमें ब्लेड का इस्तेमाल करना पड़ता है। तो आपके घर या बाहर इस्तेमाल करने के लिए यह छोटी सी ब्लेड आ चुकी है जो एक हाथ से खुल भी जाती है और बंद भी हो जाती है। इसमें 12 अलग अलग तरह की ब्लेड लगाई जा सकती है और उन्हें रिमूव करना भी बेहद आसान है। इसकी ब्लेड की मदद से आप लकड़ी को छील सकते हैं और मौजूद पैकेट को काट सकते हैं। मिनी पपर, यह एक छोटा सा ओपन सोर्स रोबोट डॉग है गाइस। एक छोटे से डॉगी जैसा दिखने वाला यह क्वाटरपॉड रोबोट चल सकता है, हॉक कर सकता है। खासकर यह रोबोट उन लोगों के लिए सही रहेगा जिन्हें रोबोट में दिलचस्पी होती है। इसकी हेल्प से आप रोबोटिक में चीज़ें लर्न कर सकते हैं और साथ ही साथ एक्सपेरिमेंट भी कर सकते हैं और इस डायनामिक रोबोट के एडवांस फंक्शन को एक्सप्लोर भी कर सकते हैं। ये अपने सिंगल कैमरा सेंसर की मदद से आसपास की चीज़ों को डेटा कर लेता है और इसे आप घर में कहीं छोड़ दे तो ये आसपास के एनवायरनमेंट को तो एक्सप्लोर करेगा ही, साथ में आसपास की चीज़ों से सीखेगा भी। इसमें आगे की तरफ एक छोटी सी स्क्रीन होती है जिसमें मिनी पपर की आइज दिखाई देती है। रोबोटिक के स्टूडेंट्स के लिए यह मिनी पपर काफ़ी यूजफुल साबित हो सकता है। अगर आप इनमें से किसी भी गैजेट को अपने घर लाना चाहते हैं तो लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।